नहीं की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट है जो कि आपने सुना भी होगा, कारगिल का। तो कारगिल की एक आपका एक इंसिडेंट है जिसको यहाँ पे बताया गया है, एक छोटी सी घटना, कैसे हमारे सोल्जर्स ने कैसे बहादुरी से हमारे एनिमीज को, शत्रुओं को पीछे खदेड़ा और वो हमारे ब्रेव जो सैनिक थे वो थोड़े कुछ सैनिक जो है उसमें शहीद भी हुए, लेकिन बिना अपनी जान की परवाह किए उन्होंने कैसे हमारे देश की रक्षा की। दिस चैप्टर रिलेटेड टू दिस इवेंट दिस इंसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड, पहले हम इसको रीड करेंगे, ठीक है, पहले हम इस पर रीड करेंगे। तो चैप्टर हमारा क्या है, द करेज ऑफ सैक्रीफाइस, द करेज ऑफ सैक्रीफाइस, ठीक है। तो रीड कर लेते पहले, कारगिल वॉर गोइंग ऑन, कारगिल की जो लड़ाई थी वो चल रही थी, और कमांडर ऑफ द यूनिट दैट रिसीव एन इंफॉर्मेशन दैट द
दबा रखा था और वो जो मिट्टी थी वो जस्ट ऐसे लगती थी कि अभी अभी यहाँ पे एक बॉक्स रखा गया। नेक्स्ट लाइन, ले कालिया लीव टू दिस फील्ड ओ द ओपोनेंट इज नॉट फार अलर्ट टेक योर पोजीशन द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स प्लीज टेक योर पोजीशन बिकॉज द ओपोनेंट्स आर नियर। जो ओपोनेंट्स यानी कि जो इनिमीज थे वो एकदम करीब थे। द मोमेंट द ही विस्पर्ड दीज वर्ड्स देयर वाज अ शूट इट ऑलमोस्ट ग्रेज्ड ले कालिया शोल्डर एक्चुअली ले कालिया डग एट द साउंड। जब यहाँ पे जो ले कालिया आपके जो कमांडर थे वो बता रहे थे उनके लिए बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने जब सोल्जर्स होते हैं बेटे अपने आप में प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो उन्हें अपने आप में पढ़ रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना एक्शन लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट इमीडिएटली अर्जुन एंड मुला फायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द शू हैड कम्स जहाँ से शूट यानी कि जहाँ से गोली आई थी यहाँ पे यहाँ से वो फायरिंग कर रहे थे वहीं पे उन्होंने क्या टारगेट बनाया कि यहीं पे हमें क्या करना है ब्लास्ट करना है। तो उन्होंने ये तुरंत गाली करी टू वेयर फॉर पोजिशन टू जब हमारे को कोई मतलब शूट करता है हमें पता होता है कोई हमें शूट करने जा रहा है तो हम क्या करते हैं हम बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो काली जो लेट काली जब उनके पास ही गोली निकली तो कालिया शोल्डर यानी कि उनके शोल्डर के पास ही निकली कि डग कैट का सॉन्ग वो उसको देख करके तुरंत झुक गए यहाँ पे स्वाइन यानी नीचे की तरफ। देयर वाज अ वॉली ऑफ शूट्स फ्रॉम द ओपोनेंट साइड लेट कालिया शाउटेड पोजीशन फायर क्विक जैसे ही उन्होंने पोजीशन ली जैसे ही उन्होंने पोजीशन ली अपने क्या सोल्जर से कहा टेक योर पोजीशन बिकॉज द फायरिंग वॉज कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग। जो क्या था जो फायर थी वो स्टार्ट लगातार होती जा रही थी किस तरह द पोजिशन ऑफ द ओपोनेंट यानी कि किसकी तरफ से हमारे विद्रोही शत्रुओं की तरफ से। आफ्टर दिस लाइन लेट कालिया शाउटेड पोजिशन फायर क्विक यानी पोजिशन लीजिए फायर एंड क्विक करके यानी कि फटाफट अपने अपने उसमें पोजिशन में आ जाइए और स्टार्ट कर दिया फायर करना स्टार्ट कर दिया। वो द सोल्जर टू पोजिशन जितने भी सोल्जर्स थे दोनों सोल्जर्स ने क्या किया पोजिशन ले कौन कौन सोल्जर्स थे हमारे अर्जुन एंड मुला क्योंकि दो केस में यहाँ पे पोज लिखा गया है। लेट कालिया एंड अदर सोल्जर्स डिफ्यूज द लाइट बॉम्ब diffused the live bomb then he made a sign a number of cries were heard the both soldiers are took position late kali and other soldiers diffused a live bomb then he made a sign a number of cries were heard jab hum koi target ko apna pura kar lete to kya hota hum khush hote to he made a cries a lot of cries the opponents had been hit the opponents had been hit yani jo hamare vidrohi the wo mare gaye। Then there was silence after the movements of step. और उसके बाद से ही अपोजिट डायरेक्शन में जो गतिविधियाँ थी वो बंद हो गई। Perhaps the opponents had recreated और जो आपके enemies थे वो दोबारा वापस आ चुके थे यानी कि they are going back। Late Kalia waited for a few minutes, but the commander waited for a few minutes. There was no movement. क्यों वो इसलिए वेट कर रहे थे ऐसा तो नहीं कि वो फिर से कोई प्लानिंग कर रहे हैं इनेमिस जो है हमारे कुछ फिर से प्लानिंग कर तो नहीं कर इसलिए जो हमारे कमांडर थे वो थोड़ी देर उन्होंने कुछ क्षण वेट किया। आफ्टर दिस नाइट लेट कालिया एंड हिज मैन हैड पुश्ड बैक द ओपोनेंट्स उसके बाद लेट कालिया और हिज आर्मी तो उन्होंने उसको ओपोनेंट्स को क्या करें पीछे खदेड़ दिया था यानी कि वापस भेज दिया था। However, later in the night, the fight again broke out. But after the some time, again started fighting, and the opponents this time were outnumbered. But the numbers of the soldiers was very high. Late Kalia and this man made supreme sacrifice in defending Mother India. The late Kalia and their soldiers also sacrificed their life for the sake of our country. So, class, this chapter has been completed. Now we will start the underline the hard words. First of all, we open the first page. पहले first page में underline कर लेते हैं क्या फटाफट। First line is soldiers then defending. After that cover and battery Kaksar brass. Midnight darkness suddenly recede. These are your hard words. ये आपके सारे हार्ड वर्ड्स
लीव